The Dawn Express, Aina Sashka. गोस्वामी द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। इस वक्त में हस्ताल क्षेत्र में यहाँ के अच्छे परिचित श्री अजय सिंह चौधरी जी व सूरज बेली के साथ में हूँ। पिछले 5 वर्षों में इस विधानसभा क्षेत्र में आपके विधायक महेंद्र यादव जी के कार्यों के बारे में श्री अजय चौधरी जी और सूर्य जी अपने विचार प्रकट करेंगे। नमस्कार पंडित जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद। आपने एक जागरूक चैनल दी डाउन एक्सप्रेस का शुभारंभ किया है और आपने हमें इसमें बोलने का मौका भी दिया और हम भगवान से ये कामना करते हैं कि आपका चैनल बुलंदियों को छुए, लेकिन इसके लिए शर्त है कि आप जो भी दिखाएंगे बहुत ईमानदारी से दिखाएंगे, जिससे किसी भी नेता की, किसी भी इंसान की या किसी की भी कोई दिक्कत पैदा ना हो या उसकी कोई इमेज खराब ना हो। आपको वचन देना होगा कि काम बड़ी ईमानदारी से करेंगे और बहुत बुलंदी आप लोग छुएंगे। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही महेंद्र यादव जी के पिछले 5 वर्ष के कार्य के बारे में थोड़ा सा विवरण दें। महेंद्र भाई साहब को मैं रेगुलर तरीके से जानता हूँ, उनको मैं तब से जानता हूँ जब वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे, उनके साथ थे, बढ़ चढ़ करके हमने सहयोग दिया था। फिर वो MLA भी बने और मेरे हिसाब से शायद रिकॉर्ड मतों से पिछले बार वो MLA बने थे, इससे ज़्यादा मतों से कोई जीता नहीं था। इनकी विधानसभा का क्षेत्र बहुत लंबा है, बहुत लंबा चौड़ा है, फिर भी उन्होंने भरसक प्रयत्न किए हैं। यहाँ पे पानी की बड़ी बेजोड़ समस्या थी, बड़े भयानक तरीके से यहाँ पे टैंकरों का माफिया चलता था। महेंद्र भाई ने आके उसको ख़त्म किया और अब हर घर में मेरे हिसाब से शायद 90% सबके घर में पानी पहुँच चुका है, मीठा पानी है, कई बार तो मोटर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और साफ़ सुथरा पानी है। उसके बाद भी आज भी मतलब कि हमारे अपने अस्पताल एरिए में जो है पानी की निकास की असुविधा क्यों है? पुरानी पाइपें डली हुई थी सर, उनको तोड़ तोड़ के खुदाइयाँ शुरू हैं, उनको नए पाइप में परिवर्तन किया जा रहा है और सीधी सी बात है यहाँ पे कच्ची कॉलोनियाँ बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पे कच्ची कॉलोनियाँ होंगी वहाँ पे तो दिक्कतें होंगी, उसके लिए समय लगेगा। पर ये जो अपना जनता फ्लैट जो ये LIG फ्लैट्स हैं, ये तो अपने DJ के ऑथराइज अपना फ्लैट्स हैं, ये तो कच्ची कॉलोनी में नहीं आते। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आप किसी से भी पता कर लें 3 टाइम पानी आ रहा है, यहाँ तक कि अब 3 टाइम क्या है तो फुल टाइम ही पानी आ रहा है। कभी भी आप मोटर अगर पानी उन्होंने 3 टाइम देते हैं, अगर मोटर चला लोगे तो इसमें 24 घंटे पानी है। अच्छा सूरज बेली जी, आप अपने बारे में अपने विचार बताइए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम सूरज बेली है, मैं अस्पताल उत्तर नगर जनता फ्लैट LIG फ्लैट में निवासी हूँ। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपके चैनल ने मुझे बोलने का मौका दिया द डाउन एक्सप्रेस में। मैं ये कहना चाहता हूँ जी, इस क्षेत्र में विधायक विधानसभा लगभग 1993 से पारित हुई थी, उससे अब तक लगभग कई चुनाव देखे हमने, हर चुनाव में यहाँ पर कभी भाजपा अपना मुकाम हासिल नहीं कर पाई। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर भाजपा भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत कैंडिडेट उतारा जाए, जो कि एक अच्छा कैंडिडेट हो और बढ़िया काम करे, जो तो मोदी जी के मार्गदर्शन पर चले और हमारे दिल्ली का जो एजेंडा है उसके लिए काम करें। अच्छा अजय चौधरी जी, ये पिछले 5 वर्षों में प्रॉपर्टी में इतना ये जो है प्रॉपर्टी दिन पे दिन उसके जो है अपना रेट इतने नीचे क्यों होते जा रहे हैं? सर जितने भी मेरी एक उम्र हो चुकी है, जितने भी मैंने इलेक्शन देखे हैं, जब जब देखा है, जब जब BJP आती है प्रॉपर्टी का सत्यानाश फिट जाता है। ये लोग कहते हैं कि प्रॉपर्टी हमने सस्ती कर दी, गरीबों को मकान मिलेगा, जो कि गरीबों की जेब कट चुकी है। यहाँ पे 10-10 लाख के फ्लैट बिक रहे हैं जो कि कोई इसका खरीदार नहीं है। प्रॉपर्टी हमेशा जब जब BJP आई है उसका कूड़ा हो गया है। सबसे दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार ही प्रॉपर्टी होता है, जिसमें कि BJP आके उसका गला घोंटती है और लोगों की जेबें खाली होती है। ना तो गरीब आदमी उस फ्लैट को खरीद पाता है, ना कोई प्लॉट ले पाता है। इतने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पिटा हुआ है कि इतना NCR ले लो, कहीं पे भी ले लो, सारे के सारे फ्लैट खाली पड़ रहे हैं।
अब ये लोग कहते हैं कि हमने इतना काम किया सस्ते करा, अबे सस्ता तो करा दे, उसके लिए तुम कुछ रोजगार तो दो। जब लोगों की जेब में कुछ पैसा ही नहीं होगा आप उस फ्लैटों को खरीद नहीं पाओगे। सुनो जी एक बात बताइए कि जो अपना सब लोग ये कहते हैं कि प्रॉपर्टी में इतना जा रहा है, प्रॉपर्टी में ऐसा हो रहा है, आपके इस बारे में क्या विचार है? प्रॉपर्टी में डाउनफॉल देखा जाए तो सर सन 2013 से डाउनफॉल में ही है प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन अगर देखा जाए तो। ये इंटरनेशनल मार्केट का भी दबाव डाल सकते हो, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो इसमें अगर आप देखा जाए तो गरीब लोगों को मकान खरीदने का अवसर भी मिल रहा है। तो बैंकिंग लाइन में अगर देखो तो बैंकिंग लाइन में खूब हम लोग हो रहे हैं और सब ठीक है। लेकिन हाँ ये है, ये सच है कि व्यवसाय में थोड़ा विलम्ब हो रहा है, व्यवसाय थोड़ा हल्का पड़ गया। आप लोगों के अपने विचार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संजीव गोस्वामी, डॉक्टर न्यू दिल्ली, अस्पताल।